आइए दोस्तों, आप सबको दिखा रहे हैं, ये सिंगल लीवर डायवेटर है, ये सावर लाइन है, ये स्पाउट है, ये स्पाउट है, तो ये गीजर का पॉइंट है, ये देखिए ये गीजर का पॉइंट है। तो और ये हो गया आपका बीप कॉक, टू न्यू वन का है, ये एंगल कॉक का है। तो आप सब देखिए, ये बेसन का हो गया, तो हम आप सब देखिए, देखिए हम सब डेढ़ इंची का लाइन, डेढ़ इंची का लाइन टाना हुआ है, डेढ़ इंची से कन्वर्ट 3/4 हम सब ये कंसील्ड लाइन, कंसील्ड लाइन हम सब किए हुए हैं। ये आप सब देख लीजिए, ये आप सब देख लीजिए यहाँ तरीके से। तो ये आउट, ये बाहर की तरफ चले गया, ठीक है। अब हम सब टानेंगे ये गीजर का पॉइंट, ये देखिए हम लोग का मेन लाइन आया है, ये बेसिन का पॉइंट है, ये बेसिन का पॉइंट हो गया। अब वेस्ट लाइन हम सब टानेंगे, ये देख लीजिए बेसिन का पॉइंट हो गया। तो आप सब इधर देख लीजिए, इधर ये सामान को आप सब देख सकते हैं, ये सामान सब रखा हुआ है, ये देख लीजिए। कभी भी आप सबसे कोई प्रॉब्लम हो, मिस्टेक हो, तो आप सब देखिए, ये फ्लश पॉइंट हो गया, फ्लश पॉइंट ये हो गया बीप कॉक का, ठीक है। ये एल करके कंसील लाइन वॉल के अंदर में, सब अलग अलग बाथरूम का काम हो रहा है। कभी भी फ्लास्क का पॉइंट ना हो, ये जो गैप होता है, एक गैप में ईटा का गाथनी होगा, ईटा का गाथनी होने के बाद तो एक लेवल आ जाएगा, एक लेवल आने के बाद तब तक अपना कोमोड बहुत ही अच्छा तरीके से बैठेगा। तो बस दोस्तों, सब्सक्राइबर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है दोस्तों।